अध्याय 6 बुद्ध और अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए राजा प्रसेनजीत की नगरी पहुंचते हैं। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है, पधारिए। क्या बात है महाराज, आपके आभा मंडल पर ये चिंता के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? प्रभु, मेरी चिंता का कारण डाकू अंगुलीमाल है, जो निर्दोष प्रजा की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बना के धारण कर लेता है, जिसके आतंक से निर्दोष प्रजा थर थर कांपने लगी है। फिर तो अवश्य ही हमें उससे मिलना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, आप उस क्रूर निर्दयी डाकू से मिलने जंगल में मत जाइए, आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। घने जंगल में झाड़ियों के बीच महात्मा बुद्ध जंगल की ओर बढ़ते हुए। बुद्ध अंगुलीमाल संवाद। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ठहर जा, कहाँ जा रहा है? पलट कर पीछे देखते हुए महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल बुद्ध संवाद। मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? हे सन्यासी, क्या मुझे देखकर भी तुम्हें डर का एहसास नहीं हो रहा? ध्यान से देख, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में धारण कर रखी है। तुमसे क्या डरना, जो निर्दोषों की हत्या करता हो वह तो पहले से ही मर चुका है, और मरे हुए इंसान से क्या डरना। महात्मा बुद्ध के चरणों में अंगुलीमाल का गिर पड़ना और स्वयं में आत्मग्लानी करना। भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा, कृपा कर समझाएं। अंगुलीमाल, क्या हमारा जीवन पहले कम दुखों से भरा है, जो हम अपने बुरे कर्मों का बोझ यूं बढ़ाते चले जा रहे हैं? मैं तो बुद्ध होकर जीवन के उन दुखों से छूट गया, मगर तुम इस पाप पूर्ण जीवन से कब छूटोगे? अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोल रहा है, भगवान, मेरा इस पापी जीवन से उद्धार कीजिए। अज्ञानवश मैं भटक चुका हूँ, मुझे प्रकाश का मार्ग दिखाइए, मुझ पर दया कीजिए। तथास्तु। महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दे रहे हैं। डाकू अंगुलीमाल उनका शिष्य बन चुका है।